अरे बहुत लास्ट क्या लिखा है और ये सुनाई नहीं दे रहा मुझे कहाँ से कहाँ बोलता है और कहाँ से कमला और होली कहाँ से कहाँ से कबूतर सुनाई नहीं दे रहा कहाँ से खरगोश कहाँ से गमला कहाँ से घड़ी सात और सात को प्लस करेंगे तो 14 होगा 15 जीरो में से तो 3 नहीं जाएगा तो इसने इसको कैरी दे दिया तो कितना बन गई है 10। अब 10 में से 3 माइनस करोगी फिर यहाँ लिखोगी और इसने इसको दे दिया था एक, ठीक है, तो इसके पास कितना बचा, एक कम हो गया ना, 7 ही बचा। जैसे मान लो तुम्हारे पास 4 चॉकलेट है, ठीक है, तुम्हारी बहन के पास सिर्फ 3 चॉकलेट है, तुमने अपना एक चॉकलेट उसको दे दिया, तुम्हारे पास कितना चॉकलेट बचा, ये सारा कितने 3 बचा। तो इसी तरह जब ये अपने बगल वाले को दे देगा तो इसके पास एक कम ही कम हो जाएगा ना, तो 7 में से 7 माइनस जाएगा तो 0 बच जाएगा। ठीक है, अब दीजिए आगे कितने घंटे हो गए, 3600 कुछ, वो तो उसी दिन हो गए थे ना। अच्छा, तो 3600 मतलब कल हो जाएंगे 705, एक दिन में 100 घंटे बढ़ जाते ना, नहीं 50 कितना खुशी मिलती है, मैं डर गई इनको खुशी। है बोलता है या हूँ बोलता है, मेरा भी यार है। 2 साल भी चला है अभी, नहीं 2 साल नहीं 1.5 साल, किसी महीने में लिया था 27 साल, 1.5 साल बता मेरे से बात नहीं करता, आपके 6 महीने बाद मेरे पापा वाला तो फोन था ही नहीं, क्यों भाई, उसी कंपनी का एक हॉट टू वैली, हॉट टू वैली यू वाला तो बहुत सारे मैंने बनवाया था, यू आर अ टॉल यू आर अ स्मॉल अभी बनाएगा बेटा तू, अभी बनाएगा यू आर ब्रेव यू आर इंटेलिजेंट यू आर यंग यू आर फेयर, अभी तक तुम नटखट हो ऑफर में धन, वैसे तो 10-11 हज़ार का होगा तेरा। दूसरा पापा का मेरा छोटा, तुम सुंदर हो, कितने क्या है कितना है, फ्रैग दूंगी बाहर उठा के सोच लेना, 4 चौंस, तुम बहादुर हो, कौन दीदी तुम लंबे हो क्या आशीष भाई है क्या You are tall. यहाँ पे तो लंबा कोई नहीं है, छोटे हो, छोटे हैं, तुम मूर्ख हो, You are foolish. तेरे लिए तो मुझे, तुम गोरे हो, मेरे लिए कॉसेक 45 का, दीदी 2 मिनट, कॉसेक 45 का, कॉसेक 45 बाहर जाके कर, चल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक मिनट दीदी, कॉसेक 45 का ना, √2 sec 30 degree का, एक मिनट, sec 30 degree एकदम अच्छे थोड़ी ना याद है दिन में, अच्छा ठीक है, अच्छा लिखने को दे दो, सब लिख दूंगा बिना देखे। cos 60 का है √2 1/2 वही दीदी, 10/45 का 1, ये तो बार बार पुट करना है, बार बार याद है, बस यही चुनूंगी, मतलब क्या अच्छे से याद है, साएंगे बाकी सब, मतलब सब बता दूंगा, देख घर के लिख रही, चलो बंद करेगा कॉपी, बताऊं क्या
क्या दीदी, तुम लोग डंडे की डंडे का लैंग्वेज समझते हो क्या दीदी, अच्छे से आ गई। अबे गोल मुदी देख लो, आप सी पैर बोला, ये है किसका? गोल भाई का मार है। मारते मारते सबसे नीचे में ट्रोपोस्फेयर है ना, और उसके बाद एक्सोस्फेयर होता है। लाइन वाइज पहले बता मुझे, सबसे नीचे कौन सा होता है, कौन सी परत? सबसे नीचे कौन सी परत होती है दीदी? एक्सोस। अरे दीदी कहानी सुना दो ना। एक्सोस्फेयर होती है तो दीदी वही तो होता है, एक्सोस्फेयर होता है। सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर होता है। चौथे नंबर पे कौन सा होता है? ये गधे ने तो सारा इधर का उधर मतलब पलट दिया है पूरा। जो पी ऐसे जो डिवाइड हम करते हैं तो बीच में तेरा आएगा पी एक्स और यहाँ पे आएगा जी एक्स। कौन कर रहेगा जी एक्स हो जाएगा नंबर बैठा दो, जीएक्स की वैल्यू बिठाना बस। अब इनको करा दो ना, जब नहीं आएगा तब करवा देना। हाँ वही स्क्वायर लग गया तो जी और के भी है, एकदम भूथर है क्या है के ये? याद क्यों नहीं किया? सीधा कर याद क्यों नहीं किया? हाँ कुछ भी याद है या नहीं है? कुछ भी याद नहीं है। लिख के दिख। अच्छा खौ से क्या होता है, खौ से क्या होता है, गौ से क्या होता है? एक्स स्क्वायर बोला नहीं मैंने अभी। ठीक है चल, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। अब इसी वाले को इस नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे या यहाँ लिखेंगे? ठीक है नीचे क्यों लिखेंगे? स्क्वायर वाली वैल्यू है और हमें कौन सी वैल्यू मिल रही है? 3 वाली ऐसी बच जाएगी। हाँ ठीक है, तो 2x को यहाँ पे लिखा माइनस का 2x, 2 को x से किया तो माइनस का अभी आएगा ना। और जो भी होता है उन सबका साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का है तो माइनस का, फिर यहाँ पे प्लस माइनस का है तो प्लस का, और ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस का, ये कट जाएगा प्लस माइनस का। ठीक है अब सेम सेम आ जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का फिर प्लस 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 होगा, 5 और 2 7x माइनस का 3 प्लस माइनस का माइनस का 3। अब इसके आगे 3x स्क्वायर बोल रहा है तो यहाँ पे कौन सा नंबर लूँ कि 3x स्क्वायर आ जाए, माइनस का 3x स्क्वायर आ जाए? माइनस का। हाँ तो माइनस का लूँगी ना 3, तभी तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, तो माइनस का 3x मल्टीप्लाई एक्स। यहाँ पे ऐसे भी करके दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिखा मल्टीप्लाई किससे कर दिया 3 से, तो 3x 3x स्क्वायर और माइनस का है इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस का लिया था, प्लस का होता तो वहाँ प्लस कर देती। ठीक है तो माइनस का 3x स्क्वायर हुआ। अब इसी नंबर को इससे भी तो करूँगी मल्टीप्लाई, 3 2 क्या हो जाएगा 6, 3 2 6 किस में आएगा? माइनस माइनस प्लस कट जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो प्लस का 6, 3 2 6। अब देख यहाँ पे भी अब साइन चेंज कर दे, ये माइनस माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये तो पता ही। नीचे वाले साइन को बस चेंज कर देते हैं। ठीक है यहाँ पे चेंज कर दिया, अब ये दोनों कट जाएगा प्लस माइनस। बीच वाले साइन को देख के नीचे वाला करना है कि बीच, ये नीचे ये वाला लास्ट वाला जो है ना बस इसको
देख के नहीं चला जाए। अब इसमें तो इसका हमने लिखा ही नहीं, तो इसका छोड़ भी देगा तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देख तो प्लस माइनस कट गया, तो इसको काट दिए मैंने। अब ये सेम सेम नंबर उतार लो, 7x प्लस माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का था यहाँ माइनस किया था ना, हाँ तो माइनस माइनस प्लस, 6 और 3 और निशान किसका आएगा, तो माइनस का आएगा, 6 3 9 6 और 3 9 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, कटेगा आगे या नहीं कटेगा, लेना पड़ेगा नंबर, यही आ जाएगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर भी लेती हूँ रियल का, यहाँ पे देख ले, अगर लास्ट में एक नंबर आ जाए ना, नंबर सिर्फ एक सिंगल नंबर, तो वहीं पे हमारा ये एंड हो जाता है, ठीक है। अब इसके आगे कोई सिंगल नंबर आ जाएगा छोड़ देंगे, हाँ हो चाहे ना हुआ हो, यहाँ पे बस तेरा नंबर एक आ गया सिंगल नंबर, उसके साथ एक्स वगैरह कुछ नहीं है, तो बस काम खत्म। और इसके आगे कटेगा भी नहीं, स्क्वायर में अगर मैं कोई सा भी यहाँ पे कुछ भी नंबर लूँ तो एक्स का तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इससे क्या है ये कम है, ठीक है। करो इसको, और ये पांचवा हो गया लास्ट, मैं सोच पे यार, हां मैंने बोला था पहले, चल इसने बता दिया, गुड गुड गुड, आप तुम दे करो पे, इधर आ जा, इधर आओ, कौन तुम, ये जनाब यूं सबसे ऊपर वाला क्या है, भरो एक्सोस्फीयर, हां लिखो, हां ये भी चार्ट वगैरह लिखवा दो ना, सबसे बढ़िया पहला, और इसका नाम पूरा लिख दे और पहले का नाम दे, फिर X लिख रहा है, S, हाँ यहाँ कौन सा है पहला, इसमें जो हमारा जी है एस जी है मतलब एक्स जी है जी वाला, ये तीन दिन दिया तो एक बार में तीन सॉल्व करेंगे क्या, हाँ तो क्या, हाँ एक बार में तीन वो सॉल्व, ये स्पेलिंग गलत है, दवाई दे दी गई स्पेलिंग गलत है, दीदी पता क्या होता है, स्टेटोस्फेयर, ठीक है, इसमें तुम्हारा ट्रोपोस्फेयर में ये आ गया, स्टेटोस्फेयर में क्या क्या होता है, एरोप्लेन हो गया, हाँ और कौन सा पक्षी है जो बादलों के ऊपर चला जाता है, ईगल होगा और कौन होगा, हाँ ईगल, देखो दीदी यहाँ भी मुझे मैंने दो चीज को अच्छे से दो लेयर्स का अच्छे से समझा दिया था, हाँ ट्रोपोस्फेयर और स्टेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर में क्या था, मिडल वाले में क्या था दीदी, मिडल वाले में दीदी एक्स को एक्स स्क्वायर से करूंगा तो क्या होगा, मैंने लिखा क्या है दीदी, कहा था ना सारा पॉइंट लिख के उसका एक एक पॉइंट लिखना दीदी, मैं तो स्क्वायर का दीदी है, सिर्फ x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, x x x क्यूब आ जाएगा, अभी तो कराया था, इसमें तीन लिख के ऊपर ले लो, दिस इज द थर्ड लेयर, ये तीसरी लेयर होती है ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर कौन सी होती है, दूरी पे होती है और मेट्रॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, देखो मेन चीज हमारा जो स्पेस है, स्पेस तो जानते हो ना क्या होता है, स्पेस, उस वक्त जब तुम लोग ग्रहों के बारे में बताया था, प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है, तो कौन से दो ग्रह थे जिनके बीच में शुद्ध ग्रह था, तो अलग अलग पत्थर के टुकड़े समझ सकते हो, मैं क्या बोल रही हूँ, ये समझ सकते हो पत्थर के टुकड़े, अरे दीदी आप आगे समझाइए, हाँ बात जान मुझके बीच बीच में टुकड़े, तो जो ग्रेविटी के कारण जो सूरज है ना वो अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, तो जब खींचेगा तो डायरेक्ट सूरज की तरफ, तो मतलब सूरज में तो आगे नहीं टकराएगा, हाँ ग्रहों पे टकराएगा, ठीक है, जो पृथ्वी हमारी यहाँ बुध शुक्र पृथ्वी है यहाँ पे, तो जब खींचेगा तो पृथ्वी पे भी तो आगे टकराएंगी, तो पृथ्वी में जो बहुत सारी लेयर्स मैंने पढ़ाया, तो उसमें जो थर्ड लेयर है ना मेसोस्फीयर,
वही जो थर्ड वाली लेयर है ना, इन सारे ग्रहों को आने से क्या करती है, रोकती है। थर्ड वाले लेयर को छेद करके आता है। दीदी क्या है, थोड़ा पैर फैला रहा हूं। ठीक है दीदी, देखो जल्दी अंदर। दीदी यहां पे देखो, फोल्ड कर जल्दी। दीदी कुछ होगा थोड़ी। नहीं यहां पे अब मेरा यहां कहां गया, यहां पे मेरा 2 आ गया। ठीक है, और यहां पे भी 3 नंबर बाकी है। दीदी दीदी छोड़ दो। दीदी यहाँ पे मेरे 3 आ गए, और यहाँ पे अभी आपने बोला था कि ऐसा नंबर आ जाए जो किसी एक्स ना लगाओ ना रूट लगाओ, यहाँ पे 2 आ गया। तेरे को नींद आ रही है, सही हो गया। तो फर्स्ट लेयर में हमने क्या पढ़ा, रेन होता है, फॉग होता है, ठीक है, क्लाउड्स होते हैं। सेकंड वाले जो लेयर था, सेकंड लेयर का नाम क्या था, स्ट्रेटोस्फीयर। उसमें क्या होता है, उसमें एरोप्लेन होते हैं, तो एरोप्लेन उड़ते हैं। और कौन सा पक्षी जाता है उसमें, ईगल। ठीक है, दो और कुछ पढ़ा था उसमें। थर्ड लेयर में आ जाओ, थर्ड लेयर का क्या काम होता है, मतलब जो ऊपर जाते हैं एस्ट्रॉइड्स होते हैं, जितने भी आते हैं उनको क्या कर देता है, वो रोकता है, बाहर से बाहर भेज देता है। मेट्रॉइड्स भी, मेट्रॉइड्स इनको कह सकते हो कि जो मेट्रॉइड्स आते हैं, ठीक है, उनको क्या कर देता है, वो वापस कर देता है। दीदी एस्ट्रॉइड ना। अब चौथा क्या करता है, चौथा क्या करता है, एस्ट्रॉइड मेट्रॉइड्स, ये ना मेट्रॉइड्स कुछ करके था। हिंदी का मुझे याद है, मेटेरॉइड्स। हाँ ठीक है, मेटेरॉइड्स। ठीक है दीदी, ठीक है, मेटेरॉइड्स को क्या करता है, ये वापस भेज देता है। तो मेसोस्फीयर का भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं फोर्थ पे, थर्मोस्फीयर पे। इसका पढ़ा क्या, पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा। मुंह उठा दीदी, थर्मोस्फीयर में दीदी है देखो, दीदी लाइट ग्रीन, दीदी लाइट ग्रीन हो गया, लाइट ग्रीन, लाइट गैसेस हो गया, और भी क्या बोलते हैं, प्राइवेट ये सब हो गए। लाइट भी आ रहे, यार क्या कहते हैं इसे, दीदी रेस, रेस जैसा कुछ था, उसे पता नहीं क्या करता है। हाँ, जो वेव्स नहीं होते, वेव्स या टेम्परेचर होता है, वही रोक के रखता है। जो फोर्थ लेयर है, यही मतलब वेव्स को वापस कर देता है, और क्या करता है, टेम्परेचर को कम कर। जैसे मैंने वो बताया था ग्रीन हाउस इफेक्ट का, तो वही वो काम, जो लेयर है ना, वो हीट को क्या करता है, रोक के रखता है पृथ्वी के अंदर, फोर्थ लेयर। ठीक है, अब फिफ्थ पे आ जाओ। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर, सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, एक्सोस्फेयर। Known as the exosphere, this layer has very thin thin air. सबसे मोटी लेयर किस वाले में पाई जाती है, एक्सोस्फेयर में। एयर की सबसे मोटी लेयर एक्सोस्फेयर में पाई जाती है। लाइट गैसेस नहीं, हाइड्रोजन, सुनो, जो एग्जोस्फेयर है ना, एग्जोस्फेयर जो है, उस वाली लेयर में कौन सी गैसेस पाई जाती है, हल्की गैसेस, जो कि कौन कौन से, हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, हल्की गैसेस है जो कि तैरती रहती हैं इस लेयर में। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तारीख कितनी, 5 दीदी, स्कूल जा रहा, कुछ पता ही नहीं। अब वेदर और क्लाइमेट में हम अंतर पढ़ेंगे। ठीक है दीदी, हटना चढ़ा। अच्छा बताओ एक चीज मुझे, टेम्परेचर बोलते हैं हम, है ना, टेम्परेचर, टेम्परेचर का बढ़ने का मतलब क्या है, कि टेम्परेचर बढ़ गया का मतलब, ज्यादा जैसे जैसे गर्मी ज्यादा हो गया, तो मतलब ज्यादा गर्मी हो गई। हाँ क्या होता है टेम्परेचर का मतलब, अगर मैंने बोले टेम्परेचर कम हो गया, मतलब गर्मी घट गई या ठंडी घट गई, टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर मैंने बोला कम हो गया, तो क्या गर्मी घटी या ठंडी घटी, गर्मी घटी। क्या हुआ, ऐसे ऐसे क्या होता है, गर्मी घटी ये ठंडी घटी, ठंडी घटेगी, कहते गर्मी घटी मतलब ठंडी बढ़ी ना।
गर्मी मध्य तापमान कभी भी टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर जहाँ लिखा होगा ना उसका मतलब समझना गर्मी गर्मी है ठीक है मतलब गर्मी गर्मी मतलब घट गई टेम्परेचर बढ़ा मतलब गर्मी बढ़ गई समझे यस पूछ लो चाहिए टेम्परेचर बढ़ना मतलब गर्मी घट गई अरे नहीं बोलो नहीं क्या हुआ टेम्परेचर बढ़ा मतलब गर्मी घट गई अभी समझाया अभी गर्मी तो लिखा है गर्मी बढ़ गई टेम्परेचर का मतलब होता है गर्मी गर्मी बढ़ गई सामने सामने तुम पूरा लिख लो मैं चल नहीं रहा ये इसलिए डिफरेंस की स्पेलिंग आती है ना राइट द डिफरेंस भी आता है ना डिफरेंस की स्पेलिंग राइट द डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट के पैच लग गया तो ख बन गया जी पैच लग गया तो घ बन गया सी एच पे एक और एच लग गया तो अगला वाला छ बन गया इसी तरह जे से ज होता है जे पे एक एच लग गया तो झ बन गया क्या नहीं याद हो रहा इसमें तुम्हें वाई एन से यहाँ हो गया लिख लिया ये क्या हाल है आज रोज ये जनवरी फरवरी फिर भूल गई मैं बाल्टी उखाड़ लू गमला कहाँ लिखा है गौ से गमला ढूंढ के दिखा दे नहीं मारूंगी उंगली डाल जल्दी है ना तोड़ दूंगी ये क्या लिखा है क्या लिखा है दस गमले लिखा है ध्यान से देखो इधर देखो क्या लिखा है ये है दस गमला ये है दस गमला ये तो खास खरगोश है ना बे क्या कर रही है लड़की घा पे रखने को बोले कॉल लिखने नहीं आ तुझे अच्छे से दे रख ऐसे दर लाइन देगी इस पे एक जीरो अंडा देगी और उस पे ऐसे एक पूंछ निकाल देगी ध्यान से अंडा खा मत नहीं हमारे में पता है कैसे बोलते थे दंडा मुर्गी का अंडा हनुमान जी का मूछ पूछ बनाई कुछ ऐसे करके कॉल लिखवाते थे ऐसे लाइन देगी उस पे एक जीरो अंडा देगी उस पे पूंछ लटका देगी कॉल बन गया ठीक है कौन सा ऐसा राज्य है या उसमें केंद्र शासित प्रदेश में भी जिसमें तुम रहोगे तो तुम्हें पता नहीं लगेगा कि ये हमारा ही मतलब दूसरे किसी और जगह पे हम आ गए अपना सा ही लगेगा दीदी मतलब अपने गांव अपना गांव हाँ अपने एरिया में दिल्ली हाँ दिल्ली सबसे ये दिल्ली एक ऐसा जगह है ना किसी भी राज्य के लोग अगर आएंगे ना तो उन्हें लगेगा कि हमारा ही है अब देखो राजस्थान में जाओगे उनकी लैंग्वेज अलग होती है एरिया भी अलग समाज ही एकदम लगेगा कि हाँ कहीं और आ गए बिहार में जाओगे अगर यहाँ का बंदा बिहार में चला जाए तो बिहारी एकदम सिर्फ बिहारी सुनाई देता हो का करता है इसी तरह अगर तमिलनाडु में चले जाओ तमिल का लैंग्वेज बोलेंगे तमिलनाडु का तमिल बोलेंगे कर्नाटक में चले जाओ उधर भी केरल में चले जाओ मलयालम पंजाब में जाओ पंजाबी हर जगह अलग अलग एकदम दिल्ली में हाँ दिल्ली में है हर जगह के मिक्स है लगेगा कि हाँ अपना ही है इलाका दिल्ली इसलिए राजधानी है बहुत कुछ खासियत है दिल्ली की घूमने के लिए दिल्ली बहादुर को सिखाया था ना इस पहली बोलो जल्दी बोलो क्या होता है बहादुर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दीदी राजस्थानी क्लेवर बोलते हैं पदरी में आप से ही आता है ना सेम दो एकदम पास पास में उत्तराखंड घूमने के लिए बहुत मस्त जगह है ऋषिकेश भी हो गया मनाली सब का सब कुछ सिर्फ इसी में उत्तराखंड में ही है दीदी अगले साल टाइम रहता ना पकड़ उत्तराखंड पुलिस
बताऊंगा तेरे को। गोरे को बोलते, गोरे को इंग्लिश में गोरा ही दिखता है।